महंगी दवाओं के अभाव में बहुत से ऐसे गरीब मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। केंद्र सरकार ने गरीब और मजबूर सहित सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से महंगी दवाओं को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए रविवार को भारतवर्ष में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। महानगर के जिला चिकित्सालय के ओपीडी परिसर में जिला महिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र का भारतीय जनता पार्टी के सैजनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शीतल पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल में जन औषधि केंद्र पर समाज के सभी वर्गों को ब्रांडेड दवाएं सस्ते दर पर मिल रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी स्टैंडर्ड कंपनी के जेनरिक दवाएं 5 से 8 गुना कम दामों पर जन औषधि केंद्र पर मिलेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक शीतल पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा। देखिए, ऐसा है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट जन कल्याणी सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि जनता के स्वास्थ्य की चिंता करें, और जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अगर स्वस्थ नागरिक रहेंगे तभी स्वस्थ राष्ट्र होगा। जन औषधि प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, और यहाँ ज़रूरत की जो दवाएं होंगी जो जन औषधि केंद्रों पर रखी जाएंगी, और जो दाम है सबसे सस्ता होगा, और जरूरत मंद चीज़ें होंगी, कोई ब्रांडेड नहीं होंगी। मुख्यमंत्री साहब ने दिया नहीं है समय, और जनता कहीं भी पर्चा बनवा ले और यहाँ आकर के इस केंद्र पर दवा लेना चाहे तो दवा मिलेगा। जनता में अक्सर शिकायत रहती थी कि हमको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमको बाहर से खरीदना पड़ता है और महंगा खरीदना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो इस जन औषधि केंद्र का जो आज उन्होंने स्वयं लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है, उससे एक आम जनता में संदेश गया कि ये सरकार गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति संवेदनशील है और इसके स्वास्थ्य की चिंता करती है। कि कोई भी सरकार चिकित्सा, शिक्षा और भोजन की पहली गारंटी देती है, और ये सरकार भी हम धन जन धन योजना के माध्यम से भोजन की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, और लोगों के रोजगार की भी चिंता मुद्रा स्कीम योजना से के द्वारा करते हैं। तो अंत में मेरा ये कहना है कि जन औषधि केंद्र जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, जो सपना था, जो उनकी आवश्यकता है स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसको पूरा करेगा। अब जनपद में जिला चिकित्सालय का ये जो आउटडोर है और महिला चिकित्सालय में 2 जगह इसकी शुरुआत हो चुकी है, और आगे भी जनपद के अन्य केंद्रों पर भी जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता महसूस हो रही है और खोला भी जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है जनता के हित के लिए। इसमें आपके गोरखपुर जनपद में अभी आज जिन केंद्रों की शुरुआत हुई है वो एक जन औषधि केंद्र महिला चिकित्सालय और एक पुरुष चिकित्सालय में आज से कार्यरत हो गए, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 110 जगहों के बटन दबा के मिर्ज़ापुर से उद्घाटन किया था, और उसी उद्घाटन के बाद प्रतीक रूप में हम लोगों ने आज इसे माननीय विधायक जी को बुलाकर
और जनता के लिए समर्पित कर दिया। आज से वहाँ दवाएँ मिलने शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में इनके पास 40 दवाएँ हैं, लेकिन वो दवाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मांग आएगी वो जेनरिक दवाएँ वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। संभवतः हर प्रकार की दवा मिलेगी और उन केंद्रों से न केवल जिला चिकित्सालय के पर्चों पे ही दवा मिलेगी, बल्कि कहीं से अगर कोई दवा लिखी हुई है और वो उस केंद्र पर उपलब्ध है तो वो व्यक्ति भी आके ले सकता है। दवाएँ यहाँ लगभग 4 से 5 गुना सस्ती, जो प्रिंटेड प्राइस होती है ब्रांडेड दवाओं में, उससे 4 से 5 गुना सस्ती होती है। और जनता को ये ज़रूर समझना चाहिए कि जेनरिक दवाएं एग्जैक्टली उतनी ही अच्छी होती हैं जितना किसी ब्रांडेड दवा का असर होता है। तो इन हम चाहेंगे कि जनता इसका पूरा लाभ उठाए, जिससे उसकी दवा के खर्च में लगभग 5 गुना कमी आ सके। वर्तमान में अभी ये आज से 2 संचालित हो गए हैं, लेकिन इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी ले जाना है। जनपद के हमारे जो अन्य सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी ले जाना है। प्रथम चरण में जो हमारे दोनों बड़े अस्पताल थे इसमें शुरू हो गया है, और अब अगला चरण होगा हमारी CSCs, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और हमारा 100 बेडेड TB हॉस्पिटल, वहाँ पे हम प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव मांगा भी जा रहा है, वहाँ पे शुरुआत होगी। और उसके तीसरे चरण में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी इसकी शुरुआत करवाएंगे।